नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष मिश्रा। आपका हर्ष विधि ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे किसी रोगग्रस्त व्यक्ति पर हमला करना कौन सा अपराध है। इसको समझने के लिए हमें एक उदाहरण की ज़रूरत पड़ेगी। हम आपको एक उदाहरण समझाएंगे। जैसे मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है तथा बी नाम का एक व्यक्ति है। ए नाम का व्यक्ति किसी ऐसे रोग से ग्रसित है जिससे कि उसकी यदि उस पर एक डंडे से वार कर दिया जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। बी यह जानते हुए उस पर एक डंडे से वार करता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में बी हत्या का दोषी होगा। तथा यदि मान लीजिए कि बी ने उस पर हमला किया होता है और उसको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती कि वह उस पर एक डंडे से वार करने पर उसकी मृत्यु भी हो सकती है, तो वह हत्या का दोषी नहीं होगा। यह निर्भर करेगा कि यह इसमें किस चीज़ से उसने वार किया है, कौन से हथियार से वार किया है, तो या उसी हिसाब से या उस पर गंभीर चोट आई है या फिर सिर्फ चोट आई है, तो इस हिसाब से उसका डिसीजन किया जा सकेगा। और साथियों, जैसे कि हमारे आईपीसी सेक्शन 300 खा में इस चीज़ से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि जैसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि यदि ए नाम का कोई व्यक्ति बी पर वार करता है और वह जानता है कि इससे इसकी मृत्यु कारित हो सकती है, जैसा कि भी हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया, या फिर उसको कोई ऐसी बीमारी है, ऐसी बीमारी से वह ग्रसित है, ऐसी बीमारी से वह जूझ रहा है, ऐसी बीमारी से वह गुजर रहा है, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे में यदि बी नाम का कोई व्यक्ति इस पर वार करता है और वह जानते हुए भी वार करता है कि वह इस बीमारी से ग्रसित है, उससे उस पर हमला करने से वह उसकी मृत्यु भी हो सकती है, तो ऐसे में वह अब एक हत्या का दोषी होगा। लेकिन यदि उसको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि वह किसी बीमारी से ग्रसित है, तो ऐसे में यदि उस पर हमला करता है तो हत्या का दोषी नहीं होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसे ही कानूनी अधिकार जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हर्ष विधि ज्ञान को। धन्यवाद।